निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना विजन के अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चीज नहीं क्लियर होती कि वो क्या करें और किस तरीके से क्या बने। दोस्तों, आप देख रहे हैं नई उमंग प्रोग्राम और हमेशा की तरह मैं हूँ आपकी दोस्त रंजीत कौर। एक बार फिर से आपको अपनी लाइफ से जुड़ी हुई ढेर सारी बातों के साथ रूबरू करवाने के लिए हाजिर हो चुकी हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बातों को आपके साथ शेयर करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में एक सपना रखते हैं, एक विजन रखते हैं। जो लोग अपना विजन के तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं, लाइफ के गोल्स को हासिल करते हैं, वो सक्सेसफुल बहुत होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में कुछ भी नहीं आता है। मतलब सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब करने की बात आती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को मेरी तरफ से एक एडवाइस है, फ्री एडवाइस है, सबको लेनी चाहिए। तो एडवाइस सिंपल सी यही है, अगर आप बहुत सारी बातों को लेकर अपने माइंड में परेशानियां लेकर बैठे हैं। कुछ लोग बहुत अलग नेचर के होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, यहाँ से भी पैसा आ जाएगा, वहाँ से भी पैसा आ जाएगा। मतलब पैसा अर्न करना है, पैसे कमाने हैं और रास्ते बहुत सारे देख लेते हैं। कई बार वो जो लोग होते हैं वो उन रास्तों पर भटक भी जाते हैं और कहीं तरीके से किसी भी रास्ते से उनको सक्सेसफुल हासिल नहीं होती है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, लाइफ में सिर्फ एक विजन रखें कि हाँ ये चीज करनी है, इसके थ्रू आपको कम हासिल होता है उसमें सेटिस्फाइड रहे, ज्यादा हासिल होता है तो आपको सेटिस्फाइड रहेंगे ही रहेंगे। सो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने विजन को जानने के लिए पेपर पेन लीजिए और माइंड में जो भी चीजें आती हैं उन पेपर पेन के जरिए लिखिए, ताकि आपको पता चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और हाँ, आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव चल रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव लिखिए, और अगर नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव लिखिए। यानी कि अगर आपके माइंड में कोई खुशी वाली चीज है तो वो खुशी से जाहिर करिए, और अगर कोई नहीं खुशी वाली है तो उसको भी जरूर नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद रिजल्ट देखिए कि हाँ आपको बेनिफिट किस में नजर आ रहा है, किस चीज पर आपको लग रहा है कि ये विजन मेरे लिए सही रहेगा, राइट। उसके बाद क्या करना है, उसी पेपर पर आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए और उसी पेपर पर लिखिए। अपने अंदर की चीजों को जानिए, आपके माइंड में क्या चल रहा है आपने वो भी लिख लिया है, आप किस चीज को लेकर कैपेबल हो उस चीज के बारे में भी लिखिए। और हाँ, अगर आपने किसी चीज को खोज लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा है कि मुझे टीचर बनना है, तो टीचर के लिए एजुकेट होना बहुत जरूरी है, और एजुकेशन कोई ऐसे तो मिल नहीं सकती है ना, उसके लिए भी आपको मेहनत तो करनी पड़ती ही है, और साथ ही साथ ऑफिशियली भी आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, पैसों की भी जरूरत पड़ती है ना। तो अगर आप अपने लाइफ में कोई विजन रखते हैं तो उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियली चीजों को भी सोचना पड़ेगा, कि आप उस तरीके से सोचिए कि आपके पास जितना है आप उसी में ही सोचिए कि आप इस चीज को करेंगे, और हाँ उस चीज को करने पर आपको कितनी सक्सेसफुल हासिल होती है आप उस चीज को रखिए अपने पास, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगता है करने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं बचा है, तो ये नहीं कि आप कुछ और डिसाइड कर लीजिए, नहीं, करते रहिए। जिंदगी में बहुत कुछ करने से बहुत कुछ हासिल भी होता है, लेकिन कभी भी अपने आप को अकेले महसूस करके ये मत कहिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भाई हमारे अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है बहुत कुछ करने की। एक सिंपल सा साधारण सा इंसान, जो कि आप ये सोच रहे थे फास्ट फूड लगाने वाला, रेडी वाला जो होता है वो क्या करता है, वो दिन में कोई और काम करता है और रात को वो रेडी लगाकर गुजारा करता है ना, तो वो भी अपनी लाइफ में कितने विजन लेकर चलता है ना। तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारे विजन लेकर जा सकते हैं, रास्ता एक चुनेंगे तो कभी भी भटकेंगे नहीं। सो ऐसी वीडियो को जाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी बातों के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।